हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मेरा नाम अरविंद कुमार है, आप देख रहे हैं अरविंद यूट्यूबर यूट्यूब चैनल को। सो फ्रेंड्स, थंबनेल देखो आपको पता ही लग गया होगा कि आपको लोगों को मैं क्या दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आज मैं आया हूं जनेश्वर मिश्र पार्क, जो भाई लखनऊ का सबसे बड़ा पार्क है। और फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये भाई जो हैं तो हमारे गाँव ही से हैं और कुछ ही दूरी पर इनका गाँव है, और जो कि आए हुए हैं साथ में। और ये भाई आ गए थे, सुबह ही आ गए थे, 9 बजे के आसपास ये टेढ़ी पुलिया आ गए थे। तो जब आ गए हैं तो मैं आ गया हूं, दोनों लोग साथ ही में आए हैं। और भाई बाइक से नहीं आए हैं, टैक्सी से आए हुए हैं। और वहां से टेढ़ी पुलिया से पूरा खर्चा लगभग 40 रुपये लग गया है मुझे यहां आने का, दोनों लोगों का भाई 80 रुपये लग गया है। तो फ्रेंड्स, कुछ बताइए उमा शंकर भाई को, दोस्तों को हमारे। अरे, हम अरविंद कुमार के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और इन्होंने आज उनसे जिन्होंने मिस पार टहलने के लिए बोला था, तो हमने सोचा चलो चलते हैं भाई के साथ जनेश्वर में पार्क टहल आते हैं। और काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे आकर के, बहुत अच्छा लग रहा है। स्विमिंग की वो बोटिंग की व्यवस्था है, और ये पेड़ पौधे भी काफ़ी खूबसूरत लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है। आप लोग जब लखनऊ आएँ तो एक बार इस पार्क में ज़रूर आएँ। ये पार्क आप लोगों को भी बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। और फ्रेंड्स, आएँ तो लखनऊ अगर आएँ आप तो कभी जनेश्वर पार्क ज़रूर आएँ। और ज़्यादा कोई यहाँ का टिकट भी नहीं है, मात्र 10 रुपये का टिकट है। और ये देख सकते हैं टिकट, इसमें ये फट गया है भाई, इसमें 10 रुपये लगे। उल्टा कैमरा जो तो सही दिखाई नहीं दे रहा है। और पहले क्या था कि यहाँ का कोई टिकट और कोई पैसा नहीं लगता था, अब यहाँ का टिकट जो है तो 10 रुपये पड़ते हैं। और जो ये पार्क है भाई, तो बहुत ज़्यादा बड़ा पार्क है लखनऊ का। और देख लो भाई ये कितना खूबसूरत नज़ारा है। और ये भाई हैं तो इनका नाम उमा शंकर है। और चलते हैं, आपको घुमाते हैं यहाँ कैसा है पार्क है। तो सारा पूरा पार्क घूमने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाई पूरा पार्क बहुत बड़ा है। तो चलते हैं दोस्तों और आपको घुमाते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और भाई वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना। फ्रेंड्स, सब चल रहे हैं और दिखाते हैं आपको फिर यहाँ का नज़ारा क्या क्या है, कैसा है। और गांव में तो आप देखे होंगे, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली होती है, और यहाँ पर आप हरियाली देख रहे हैं तो काफ़ी मेहनत की गई है। और वैसे हरियाली नहीं बनी है इसमें भाई, बहुत मेहनत लगी है और तब जाके कुछ हरियाली बन पाई है। और ये पेड़ पौधे तभी हरे भरे आप देख सकते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ सब लोग सेल्फी को ज़्यादा ले रहे हैं, और सेल्फी तो भाई आजकल सब कहीं ली जाते हैं, और कहीं भी कोई पार्क हो तो सेल्फ़ी का तो एक नया ही वो बन गया है। और फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वहाँ पर जो दूर पीछे वहाँ पर ये तो फुहारा चल रहा है, भी एक ही चालू हुआ है। और ये देख सकते हैं, तो हम ऐसे आगे भाई चल रहे हैं, और देख सकते हैं वहाँ पर दूर खूब सेल्फी ले जा रहे हैं। और देख लो भाई कितनी खूबसूरत सड़कें हैं, और ऐसी सड़कें भाई गांव में बन जाएँ तो क्या कहना, काफ़ी मज़ा आ जाए। और पार्क है तो भाई पार्क में तो सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, और देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये पेड़ लगे हैं इधर ये। और दोस्तों, जो आप सामने देख रहे हैं तो खाने पीने की कैंटीन की व्यवस्था भी यहाँ पर है, और जगह जगह पर पीने का पानी जो है तो ठंडा पानी, टंकी वंकी पूरी फुल व्यवस्था है यहाँ पर। और देख सकते हैं इधर ये चार रोड गई हैं, एक इधर पूरब साइड गई है, और ये पश्चिम साइड है, और ये दक्षिण। तो देख सकते हैं चारों तरफ इधर रोड गई हैं, और चारों तरफ आप घूम सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ा पार्क है। और बोर्ड लगे हुए हैं, नक्शे बने हुए हैं क्या चीज़ कहाँ पर है, तो आप यहाँ पर हैं देख सकते हैं, ये बोर्ड लगा हुआ है। और सारा कुछ इसमें भाई इंग्लिश में नहीं, सब कुछ हिंदी में लिखा है। और ये देख सकते हैं ऊपर जनेश्वर मिश्र पार्क लिखा है, स्थल मानचित्र, तो जो चीज़ यहाँ पर है, और सारे गेट नंबर हैं, जितने गेट नंबर हैं
सब गेट नंबर का एड्रेस पड़ा हुआ है। फ्रेंड्स ये देख सकते हैं जहाँ पर चौकी की बनी है और कल आराम आराम करना चाहे तो आराम भी कर सकते हैं। और इधर ये सब कुछ देख लो भाई, और थोड़ा माइक नहीं लगी थी तो भाई मैंने माइक लगा लिया है। और देख लो वहाँ तक जितना दूर तक आपको दिखाई दे रहा है, ये सीधे रोड गई हुई है और काफ़ी बड़ा है। और जहाँ जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ सब कुछ दिखाएंगे आपको, तो भाई वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो फ्रेंड्स सभी चल रहे हैं और भाई एक घंटा हो गया है और चलते हैं भी दिखाते हैं। और देखो भाई गर्मी ज़्यादा हो रही है तो पसीना बहुत ज़्यादा है, कुछ निकल रहा है। काफ़ी ज़्यादा हो रही है और देख सकते हैं काफ़ी पसीना निकल रहा है भाई।
देखो कितना खूबसूरत है। और ये रोड बनी हुई है भाई, और काफ़ी ज़्यादा चौड़ी रोड है, और ये देख सकते हैं, और ऊपर लाइट भी लगी हुई हैं, ये सब खंभे लगे हुए हैं और लाइट लगी हुई है, और इधर छोटे छोटे पेड़ हैं। ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं होती है इस पार्क में, और आप देख रहे हैं इतना बड़ा पार्क है भाई, तो भीड़ कहाँ से भाई होगी। और बहुत बड़ा पार्क है, और देखो अभी घूम रहे हैं, और अभी भाई 2 घंटे कम से कम हो रहे हैं उसको घूमते घूमते यहाँ पर। फ्रेंड्स देख लो आप सामने कितनी सारी मछलियां हैं इस झील में, और ये देख सकते हैं। और फ्रेंड्स ये देख सकते हैं जनेश्वर मिश्र लगा हुआ है ये, और काफ़ी ऊंचा है, तो भाई देख लो ये जनेश्वर मिश्र का स्टैचू लगा हुआ है। और इस पार्क को भाई अखिलेश और मुलायम की सरकार में ही बना था, और उन्होंने ही बनवाया था। और आप देख रहे हैं जो ऊपर, तो ये भाई फाइटर जेट MiG-20 विमान है, लड़ाकू विमान जो आप देख सकते हैं, और बहुत बड़ा भाई है, और इसका नाम फाइटर जेट MiG-20 विमान है, MiG-21 है। और ये फ्रेंड्स आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है, देखो कितने सारे पहाड़े निकल रहे हैं, और भाई यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। लो और टैंक रखी हुई है, इसका नाम बसंकर है, और ये दोस्त जो आए हैं उमाशंकर, तो ये बता रहे हैं क्या नाम है भाई इसका। इसका नाम बसंतर है, इसका नाम बोले भाई बसंतर है, और ये बसंतर टैंक है, और यहाँ पर शायद एक ही टैंक है, और इधर एक और टैंक है वहाँ पर, वो देख सकते हैं दूर वहाँ पीछे हमारे 2 टैंक यहाँ पर हैं, और ये गेट है। जब आप आएंगे यहाँ पर तो आपको ऐसा ही गेट मिलेगा देखने को। और जो आप ये इधर ये सामने देख रहे हैं, वहाँ पर दूर में देखिए तो वहीं पर टिकट घर है, और वहीं पर 10 रुपये का टिकट है यहाँ का, और मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा घूम लिए, और अब चलते हैं भाई, और अभी हम गेट के अंदर ही हैं, और ये देख सकते हैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है। और चलते चलते भाई हम कहना चाहते हैं कि हमारे दोस्त अरविंद कुमार ये जो है यूट्यूबर हैं, और उनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, ये काफ़ी अच्छे वीडियो बनाते हैं, और बस उनके चैनल उनके वीडियो को सब्सक्राइब शेयर करें, और जितना जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, उनके वीडियो को लाइक करें। थैंक यू जी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मैं भाई इसी तरह के देसी ब्लॉग और ट्रैवलिंग वीडियो बनाता रहता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलते हैं भाई, और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स